गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पंकज कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज इकाई अंक जो है अभी बताने जा रहे हैं आगे का हिसाब कैसे सॉल्व होगा। इससे पहले हम आपको पीछे जो है बहुत कुछ बता रखे हैं इकाई अंक का, उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए, पिछला क्लास में हम बताए थे कि जीरो एक पांच एवं छो, जीरो एक पांच एवं छो, ये सब के पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक जो है नो चेंज होगा। मार्कर लाओ दूसरा। नो चेंज होगा। चलो खैर आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। यानी जीरो एक पांच एवं छो के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक जो है चेंज ही नहीं होता है। हम पिछले क्लास में बता रखे हैं, इसका एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि जैसे कि 120 के पावर कुछ भी ले लो, इसका जो इकाई अंक है वो नहीं चेंज होगा। जीरो है तो पावर कुछ भी रहे जीरो ही होगा। अच्छा चलिए, पूरा डिजिट होता है दस, वो दस ही डिजिट से सब जो है संख्या बनते हैं, तो 10 डिजिट हम लिख देते हैं। कौन कौन होता है डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स यही अंक से सारा संख्या बनाया जाता है। तो आइए, हम देख चुके हैं कि 0, 1, 5 और 6 पे पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। ठीक, अब जो है इसके बाद बाबू क्या करना है, जैसे सम संख्या लिखना है, सम संख्या अब इसके बाद क्या क्या बचता है? 2 बचा है, 2, 4, 6 तो हो ही गया, 8 बचा है। मीन्स 2, 4, 8 और विषम संख्या क्या बचा है? विषम संख्या बचा है 3, 3, 7, 9, 3, 7, 9। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके अलावा अब जो सम संख्या बचा है और विषम संख्या बचा है, अगर इसके पावर 4 से कटने वाला रहे, यानी सम संख्या के पावर 4 से कटने वाला रहे, तो इसका जो है इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इकाइयां कितना होगा? हमेशा 6 होगा। और विषम संख्या पे पावर 4 से कटने वाला, 4n के मतलब होता है बाबू 4 से कटने वाला, 4n यानी 4n यानी 4n का मतलब क्या हुआ? n जब नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डॉट कुछ भी लो तो देखेगा 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का गुणज आएगा। यन के मान 1 रखते हैं तो 4 का 4 होगा, यन का मान 2 रखते हैं तो 4 × 2 = 8 होगा, यन का मान 3 रखते हैं तो 4 × 3 = 12 होगा, यन का मान अगर गलती से 4 रखेंगे तो 4 × 4 = 16 हुआ। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि 4n का मतलब होता है 4 से कटने वाला, जहां n जो है नेचुरल नंबर लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है। ठीक, तो आपको
सीधे कि सम संख्या पे पावर चार से कटने वाला रहे, फोर एन के मतलब हुआ बाबू चार से कटने वाला, सम संख्या के पावर चार से कटने वाला, और सम संख्या में भी कौन सा सम संख्या, तो ये जो बचा है दो चार आठ, छो के नहीं क्योंकि तुम पहले ही जान रहे हो कि छो के पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक जो है नहीं चेंज होगा, नो चेंज। किसका किसका नो चेंज होता है थोड़ा बताओ, जीरो एक पांच छो के पावर कुछ भी डाल दो इकाई अंक नो चेंज होगा। हाँ, और उसके अलावा जो अंक बचा है सम संख्या दो चार आठ बचा, अभी सम संख्या उसके अलावा अभी ये सब के अलावा क्या बचा तीन सात नौ, तो सम संख्या के पावर चार से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक जो होगा छो होगा, और विषम संख्या के पावर चार से कटने वाला रहे तो इसका जो इकाई अंक होगा ये आपका हमेशा वन होगा। ठीक, तो आगे जो है इस पे थोड़ा सा बस इतना ही रूल है, आप जो है अगर इतना रूल दिमाग में है तो आप इकाई अंक कभी भी नहीं फंसोगे। हाँ, कभी भी नहीं, बस इतना ही मालूम रहना चाहिए। पहले क्या कि जीरो एक पांच छो पे पावर कुछ छो रहे उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। दूसरा, सम संख्या और विषम संख्या, तो जीरो एक पांच छो हो गया, मीन्स जीरो एक पांच छो हो गया, तो अब बचा क्या संख्या, सम संख्या बचा, सम संख्या क्या बचा दो चार आठ, तो ये सब पे पावर चार से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा छो होगा। अब विषम संख्या पे पावर, अब विषम संख्या, सम संख्या हो गया तो विषम संख्या बचा क्या तीन सात नौ, अब मन में चल रहा होगा सर एक और पांच कहां गया, अरे बाबू एक और पांच के पहले ही तो बोल रखे हैं कि एक और पांच के पावर कुछ हो रहे उसका इकाई अंक नो चेंज, यानी वही इकाई अंक होगा। ठीक, तो हाँ, तो आप इतना बुझा गया होगा आप लोग को। ठीक, ये क्या हम समझाना चाह रहे थे, बस सिंपल है कि जीरो एक पांच छो के पावर कुछ भी ले लो इकाई अंक नो चेंज, और सम संख्या के पावर चार से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक जो होगा छो होगा, और विषम संख्या के पावर चार से कटने वाला हो तो उसका इकाई अंक हमेशा एक होगा, जहां यन जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब जो है इसमें थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आएगा, तो ध्यान देना है। मान लो 648 के पावर रहे 548, इसका इकाई अंक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन 342 के पावर 644, इसका इकाई अंक निकालना है। तीसरा 257 के पावर ये रहे इसका इकाई अंक, यानी 257 के पावर 54,396। चौथा जो है क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहे, कुछ भी दिया हो उससे आपको मतलब नहीं है, मान लो यहाँ पे 6 दिया रहे इसका पावर 2 ऐसे रहे। ठीक, पांचवा क्वेश्चन जो है 789 इसका पावर 231 रहे, अच्छा 231 हो गया, मान लो 236 रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। आपके सामने पांच क्वेश्चन हम लिखे हैं और इसका जवाब सुनिए क्या होगा, जो इससे आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए बाबू मान लिया जाए ये सब क्वेश्चन आ जाए आपको सेट में, तो आप कैसे बनाएंगे उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने के तरीका बता रहे हैं।
आइए बस इतना ही का प्रयोग करके हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप यहां देखिए सम संख्या, इधर तो कुछ भी रहे उससे आपको मतलब नहीं है। इकाई अंक सम संख्या, बेस का सिर्फ इकाई अंक लेंगे, कुछ भी नहीं। और पावर का अंतिम दो अंक लेंगे, ये भी बताए हैं लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो डाले हैं उसमें हम बताए हैं। ये अगर आप जो है नया सिर्फ वे वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी हम इकाई अंक का एक जो है वीडियो डाल दिए हैं, पहले वो देखिए तब ये आएगा समझ में, ठीक, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 8 के पावर कितना है 548, तो पावर कितना हूं बड़ा रहे सिर्फ अंतिम दो डिजिट लेंगे, सिर्फ अंतिम दो डिजिट लेंगे। चलिए अंतिम दो डिजिट लेंगे और अंतिम दो डिजिट में क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। हां तो 4 से क्यों, 4 से भाग लगाते हैं अंतिम दो डिजिट में, क्योंकि इससे पहले हम बताए हैं 4 के विभाज्यता का रूल। 4 से विभाज्यता का रूल है कि कोई भी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से पूरा कट जाए तो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, वो संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। अगर शेष जितना बचता है तो फिर 4 से भाग देने पे वो नहीं शेष बचेगा, ठीक। तो आइए 4 से भाग देते हैं तो अंतिम दो अंक कट जाता है, तो क्या हो गया, सम संख्या के पावर 4 से कटने वाला, तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। आइए सम संख्या के पावर ये भी 4 से कटने वाला है तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। विषम संख्या के पावर 4 से कटने वाला है, बाबू विषम संख्या के पावर 4 से कटने वाला, तो यहां रूल क्या है, विषम संख्या के पावर 4 से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक 1 होगा, गुड। अब ये आइए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 से कटने वाला नहीं है, अरे पूर्वक तुमको पहले ही हम बताते हैं कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 6 रहे उसका पावर कुछ भी लगा लो इकाई अंक चेंज होने वाला नहीं है। मींस वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 6 है और पावर कुछ हो रहे उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। आइए यहां पे देखिए विषम संख्या के पावर 4 से कटने वाला तो इसका इकाई अंक जो आएगा, इसका इकाई अंक आएगा हमेशा 1 आएगा। तो आप ये सिंपल तरीका से बना रहे हैं, चलिए इससे और हम आगे क्वेश्चन को लिखते हैं फिर बताते हैं, थोड़ा समझिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इकाई अंक में। एक और इसके बाद इकाई अंक का वीडियो डालेंगे, उसमें क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व कराएंगे। हाँ जैसे कुछ असाइनमेंट होगा उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, SSC बैंक रेलवे का क्वेश्चन है, इकट्ठा बोल इकट्ठा किए हैं, टाइपिंग बोल है, तो उससे हम सॉल्व करा देंगे 20 क्वेश्चन लगभग। तो आप जो है कभी भी इकाई अंक में नहीं फंसिएगा। हाँ तो ध्यान रहे बाबू, चलिए आइए मान लिया जाए आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि 647 के पावर 169 गुना 348 के पावर 296 गुना 599 के पावर 248 गुना 366 के पावर, ऐसे रहे 241 गुना 378 के पावर 242। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, मीन्स मेरा कहने का मतलब है ये सबको आपस में गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा वो बताना है।
चलिए तो ये तो हो जाएगा। खैर दूसरा क्वेश्चन भी हम लिख लेते हैं, दो चार क्वेश्चन, और दो चार क्वेश्चन करवा के हम वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसका वीडियो जो है अगला कल आएगा। चलिए मान लिया जाए आपको इस टाइप का रहे 378 के पावर 266 गुना 77 के पावर 8 गुना 399 के पावर 296 प्लस ये 5233 है। इसका भी इकाई अंक निकालना रहे मान लिया जाए। अच्छा तीसरा क्वेश्चन 34 गुना 333 के पावर 246 इसका भी इकाई अंक मान लिया जाए निकालना रहे। चौथा क्वेश्चन चलिए आप लोग अगर सीख गए तो पहले ये निकालिए फिर हम बता रहे। फिर कल फैक्टोरियल वाला बताएंगे समझाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी इकाई है, ये सबका इकाई अंक निकालना है। तो आइए आपको उतना रूल मालूम है तो इकाई अंक में कभी भी नहीं फंसिएगा। क्या रूल है मालूम, बस तीन ही रूल दिए हैं। पहला कि 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक चेंज हो बिद करेगा। दूसरा सम संख्या, सम संख्या क्या क्या बचा 2, 4, 8, 2, 4, 8 के पावर कुछ हो रहे उसका इकाई अंक सॉरी 2, 4, 6, 8 के पावर 4 से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अब विषम संख्या 3, 7, 9 के पावर 4 से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। बस आइए इधर से तो मतलब नहीं है विषम संख्या, अच्छा कुछ हो रहा है यार 4 से नहीं कट रहा है ना, 69 से कटेगा नहीं कटेगा तो 4 से भाग लगा दो, 4 से भाग लगाए 4 एकम 4, 2 और 9 हो जाएगा तो 29 तो 6, 7, 28 तो 1 हो जाएगा ना, 6, 7, 8 हाँ 1 हो जाएगा तो 7 के पावर 1 तो इसका 7 हो गया गुना है तो गुना कर देंगे इसका कितना होगा। चलिए यहां आसान है, सम संख्या के पावर 4 से कटे वाला 96 कट रहा है ना 4 से, 96 अगर अंतिम दो अंक कट रहा है 4 से तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो चलिए सम संख्या के पावर 4 से कटने वाला हो तो उसका इकाई अंक जो होगा हमेशा 6 होगा क्योंकि रूल में बताए हैं। आइए विषम संख्या के पावर 4 से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। आइए 6 के पावर कुछ भी रहे, समझ रहे हैं ना, 6 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 9 चेंज, किसका किसका 9 चेंज 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 9 चेंज। आइए 4 से भाग लगाइए 4 दाने 40 दो शेष बचा, जो शेष बचेगा 8 पे रख दीजिए 64 के 4 हो जाएगा। तो बाबू ये सब गुना में है तो गुना कर देंगे हम लोग सिंपल, बस आइए गुना कीजिए 6, 42 के 2, 6, 42 हो गया 6, 42 हो गया तो एक इकाई अंक सिर्फ पकड़ेंगे 6, 42 के 2, 2 एकम 2 ये 2, 6, 12 के 2, 2, 4, 8 इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ठीक। यानी इसका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक जो होगा 8 होगा ठीक। आप लोग बहुत अच्छा समझ लिए होंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां पे सम संख्या के पावर
चार से नहीं कटेगा है ना, तो चार से भाग लगा तो दिया, चार से चार एक चार दो छब्बीस हुआ, चार छका चौबीस, यानी दो जो बचेगा इस पे रख देंगे, अठिए ठीक चौसठ के चार हो गया, गुना तो गुना करेंगे, विषम संख्या के पावर है कटे वाला कि नहीं, नहीं ना नहीं कटेगा, चार से काटिए चार एक चार तीन अड़तीस चार नवा छत्तीस दो बच जाएगा, तो सात पे पावर दो हो जाएगा, दो शेष बचा, तो पावर जो शेष दो बचा पावर में तो दो यहाँ पे चिपका देंगे इकाई अंक में सात पे, तो सात के पावर दो मीन्स सत सत उनचास के नौ हो जाएगा, यहाँ पे फिर से गुना करेंगे, गुना है तो आइए विषम संख्या के पावर चार से कटने वाला रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा एक होगा, आइए गुना है तो गुना कर दीजिए। अच्छा एक और है, बहुत अच्छा, प्लस है तो अभी प्लस करेंगे, माइनस रहेगा माइनस करेंगे, क्या आपत्ति है, चलिए पांच के पावर कुछ हो रहे इकाई अंक पांच ही होगा, पांच के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक नो चेंज यानी पांच ही रहेगा, चलिए गुना है तो पहले गुना कर लो, नौ चौका छत्तीस के छो, छो गुना एक तो छो, और छो प्लस है बीच में छो पांच ग्यारह हो जाएगा, तो इसका जो इकाई अंक होगा कितना हो जाएगा ग्यारह के एक, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आइए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, चलिए चार से भाग दीजिए, चलिए अठी बत्तीस दो बचेगा तो दो दूनी चार, यहाँ छो के पावर कुछ हो रहे तो इकाई अंक छो भी होगा, और गुना फिर गुना करेंगे विषम संख्या, अच्छा चार से नहीं कटे वाला फिर भी चार से भाग देंगे, चार कम चले दो शेष बचा तो दो यहाँ पे रख दो तीन पे, तो तीन के पावर दो तो तीन दिया नौ हो जाएगा, चलिए गुना कर दीजिए सबको, गुना है तो गुना कर देंगे, इधर से करें गुना या इधर से करें बात बराबर यार दो दिक्कत नहीं, नौ छह का चौवन के चार और चार चौका सोलह, सोलह के छो आनी, इसका जो इकाई अंक होगा उसका क्या होगा इकाई अंक मीन्स छो हो जाएगा, आइए यहां पे चार से भाग लगाइए, चार काम चार ने दो बचा तो दो इस पे आ जाएगा, तो नौ नवा इक्यासी के एक गुना गुना करेंगे, चलिए दो है तो दो इस पे डाल दो यार पावर, सत उनचास के नौ हो जाएगा, प्लस है प्लस करेंगे, एक एक के पावर कुछ हो रहे तो एक हो जाएगा ना, तो आइए नौ गुना एक तो नौ हो गया, और नौ और प्लस एक इसका इकाई कितना हो गया, एक नौ एक दस, दस के क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, मीन्स इसका इकाई अंक जो होगा वो शून्य हो जाएगा, तो हमें लग रहा है कि आज जो बताए उससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आप जो है इकाई अंक इन्हीं के भी असाइनमेंट लेके आप देखिए, अब आपसे टोटल बन जाएगा, कुछ फैक्टोरियल वाला छूटा हुआ है, तो लास्ट में यानी अगला जो वीडियो हम कल देंगे वो इकाई अंक का लास्ट वीडियो हो जाएगा, इसके बाद जो है आप लोग कमेंट कीजिए क्या चीज आपको दिक्कत है, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है, हम पहले उसी के वीडियो लाएंगे ठीक ना, अगर एडवांस मैथ में भी दिक्कत है तो आप हमको बोलिए कि सर एडवांस मैथ का ये पार्ट बताइए, तो हम बता देंगे उसी का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आज चलिए इतना ही रहने दीजिए बस।